हालत खराब हो गई है और पैर भी जल गए हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ हाथ जल गया मेरा। अभी शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और देखिए सनसेट बस होने ही वाला है। और आजकल धूप देखिए कितनी इस साइड आ गई है, मतलब गर्मियों का मौसम है, धूप सीधी पड़ने लगी है। सनसेट होने के बाद अब दीदी की तैयारी है घर को जाने की, हम उसको भेजने के लिए रोड पे चलते हैं। तो दीदी घर को जा रही है और हमने देखा कि रोड के ऊपर पे यहाँ पे किसी ने आग लगा दी घर के ऊपर में। अब हमारे लिए भी दिक्कत है, जंगल भी जलेगा और पत्थर भी गिरेंगे, जल्दी से उसको बुझाने के लिए चलते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अभी आग लगी है ना, पर्यावरण को नुकसान तो है ही और यहाँ से ना पत्थर गिरेंगे अब हमारे घर के लिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार। अभी आग कंट्रोल में है, इसको जल्दी से बुझा देते हैं, अगर एक बार फैल गई तो फिर बुझाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार दीदी लोगों को भेजते हैं, उसके बाद जरा इस आग को बुझाने का काम करते हैं। भयंकर आग लगी और ये आग हमारे घर तक जाएगी सीधे। आग फैलती जा रही है, मेरे अकेले की बस की तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेंगे क्योंकि सूखी पत्तियां हैं ना आजकल बिल्कुल भयंकर जल रही हैं। बाकी यहाँ की तो हमने बुझा दी है, अब दीदी लोग भी जा रहे हैं, एक बार इनको बाय बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं आग बुझाने के लिए जाता हूँ। बाय बाय। अरे दादी आग नहीं बैठा लिया, अरे ठीक था वह ठीक दादी, बाय बाय बाय। अब हम आग बुझाने पर लगते हैं, बाय 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 बाय। भयंकर आग लगी हुई यार, दिक्कत की बात है ना, यहाँ कांच भी फोड़े हुए हैं। इस साइड की आग तो मैंने बुझा दी है, बस दूसरे साइड की रह गई है। इतनी सूखी पत्तियाँ हैं ना, बहुत तेज़ी से आग पकड़ रही हैं। अब मुझे एक चीज़ करनी होगी, पत्तियाँ हटानी होगी, आग तो मैं बुझा नहीं पाऊँगा। एक तरफ से आग बुझा रहा हूँ, दूसरी तरफ से पत्ते आग पकड़ रहे हैं दोबारा। हालत ख़राब हो गई है और पैर भी जल गए हैं थोड़ा थोड़ा। चलो जी, बुझती जा रही है आग धीरे धीरे, पर डर पता है किस चीज़ का है, सांप का, क्योंकि ऐसे में सांप बिल से बाहर निकलेंगे तो कहीं सांप ना मिल जाए ऐसे में। हो आग तो कंट्रोल हो गया काफ़ी हद तक। अरे यार ये कैसे बुझेगी अब। चलो जी, यहाँ की आग को तो बुझा दिया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे रह गई है, आने जाने के लिए भी नहीं हो रहा है ऐसे में। यहाँ पे तो आग कंट्रोल होगी नहीं, तो यहाँ से ये पत्तियाँ हटा ही देता हूँ जिससे आग नीचे ना आए। अब जलेंगी तो सिर्फ इतनी पत्तियाँ जलेंगी। हाँ हाथ जल गया मेरा। ये देखो छोटी छोटी पत्तियों पे भी ना आग आगे बढ़ते जा रही है। हालत हो गई है ख़राब, मैं अकेला हूँ, वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं फैली है, ज़्यादा फैलती तो दिक्कत हो जाती। अब ये मेरे पास कुछ नहीं है बुझाने के लिए भी, इसको जलने देता हूँ और साइड के पत्ते अलग कर देता हूँ, नहीं तो बढ़ती जाएगी आग आगे। मैंने बुरांस की टहंगियाँ निकाल दी हैं, इनसे बुझाने की कोशिश करता हूँ ढंग से, क्योंकि मेरे पास बचाव का कुछ भी साधन नहीं है। ये देखिए आग बढ़ती जा रही है। अभी छोटी छोटी चिंगारियाँ पड़ रही है ना, इनसे भी आग लग रही है सीधे। ये देखिए पसीने से हो गए, मेरी हालत ख़राब। ओहो, यहाँ जंगल में फिसलन हो रही है इन पे पत्तों में। थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे, कहीं आग और बढ़ गई तो बुझाने के लिए होता है। मेरा घर यहीं नीचे पे है, अगर मैं बजाता नहीं इसको ना पूरा जंगल जल जाता आज। ओहो, पता नहीं किसी ने रोड से लगाई आग, या तो किसी ने सिगरेट फेंकी होगी उससे लगी। अभी माहौल ज़रा शांत सा हो गया है और यहाँ देखिए आग लगने से ना इतना नुकसान होता है, पेड़ की जो तने हैं ना पूरे जल गए ऐसे में।
क्या कर सकते हैं, पानी तो है नहीं हमारा यहाँ पे, अभी फैलने के पूरे चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पूरे पत्ते जल गए ना, अभी इकट्ठा हो रहे हैं, अभी आग धीरे धीरे नीचे सुलगेगी ऐसे में। तो एक काम करता हूँ, नीचे के सारे पत्ते ना हटा देता हूँ, जिससे अगर आग बढ़ेगी भी तो लगेगी नहीं ज़्यादा। ये देखो बोलते बोलते लगी वहाँ पे आग। ये देखो ऐसे ही हर जगह पे होता होगा। सोचा नहीं था कि आग बुझाने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन छंद आ गया ये सब। मैं तो आया था दीदी को भेजने के लिए और अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए, और यार फिर लगी पीछे आग। देखिए हो, मुझे लग रहा है ना अगर मैं 10-20 मिनट और रुक जाऊंगा ना यहीं ऊपर रोड पे, तो आग बुझ सकती है पूरे ढंग से। फिर देखने के लिए हो जाता ना कहाँ पे नहीं बुझी, कहाँ पे बुझ रही है, क्योंकि ऐसे भरोसा नहीं। हवा भी चल रही है हल्की हल्की, तो पत्ते सुलग से रहे हैं। हो हुई बुझ तो गई है, पर फिर भी 10-15 मिनट यहीं पर रुक लेते हैं। तब तक बाइक को ज़रा स्टार्ट कर देते हैं, बहुत दिनों के बाद। यहाँ पे लव कर रहा है बाइक को स्टार्ट, और मेरे पैरों में ना आग से जल गया, हाथ भी जल गई। देखो हाथ कैसे हो गए मेरे, दोनों हाथों की हालत हो गई है ख़राब। पैर ऐसे हो गए ना, किस जगह पे आग की चिंगारियाँ पड़ रही थी, जल से रहे थे। तो यहाँ पे जैसे लव ने बाइक स्टार्ट करने को करी, फ्यूल की चाबी ऑन करी, तो फ्यूल नीचे गिरने लग गया। और यहाँ देखिए फ्यूल की जो पाइप है ना वो टूटी हुई है, पता नहीं कैसे टूटी यार ये, या तो किसी ने तोड़ी या तो टूट गई है। फ्यूल कितना है, फ्यूल तो ठीक ही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो फ्यूल की पाइप ना देखनी पड़ेगी, अगर लगेगी तो सही बात है, नहीं तो छोटी हो गई। अब क्या करें, अब यहाँ से या तो उखीमठ ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, दिक्कत है। अब पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है, सोचा था कि बाइक स्टार्ट करेंगे लेकिन अब होगी नहीं। या तो किसी ने फ्यूल निकालने की कोशिश की है यहाँ पे, क्योंकि बाइक बहुत दिनों से खड़ी थी, या फिर वो टूट गया होगा। मतलब ऐसे वैसे आजकल टूटेगा कैसे यार, वो तो ठंड में टूटना चाहिए ना, गर्मियों में कैसे टूटेगा। गांव के युवा ना भर्ती की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं भी प्रैक्टिस करता था। लव ने एक आइडिया दिया है कि एक लेवल पाइप होता ना उसका जुगाड़ करते हैं। आज तो हो नहीं पाएगा, अब थकान भी लगी है, अब घर चलता हूँ, लेवल पाइप ढूंढ के रखता हूँ, कल सुबह देखी जाएगी। क्योंकि यहाँ से मैकेनिक के पास तो ले जानी है किसी भी हाल में। वैसे हम जुगाड़ तो कर सकते हैं, बोतल से उसमें ना पाइप फ्यूल डाल के अंदर जा सकता है, लेकिन रिस्क भी है, कहीं पेट्रोल ने आग पकड़ ली फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब निकलते हैं घर की ओर। तो ऐसी थी कुछ हमारी आज की वीडियो, आग बुझाने के लिए आए और यहाँ पे बाइक ही ख़राब निकली। अब फिर से दोबारा वो देखते हैं कि आग कहीं सुलग तो नहीं रही है। जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा, हमने ना इतने बड़े जंगल को बचा दिया आज आग लगने से। नई नई खोपलें आ रखी थी, आग तो बुझ गई है, लेकिन वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है ना मोटा वाला, उस पर अभी आग है। यहाँ देखिए ना ये दारू की बोतलें ऐसी छोड़ी हुई हैं, और ये कुछ फूटी हुई बोतलें हैं ना, ये देखिए कांच, देखिए बहुत डेंजर हो सकता है। अब मैं क्या करूँ यार इस कांच का, बस मुझे सेफली चलना होगा, आग भी बुझनी ही चाहिए और कांच से बच के भी। कांटे भी हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पैर से पत्थर खिसक गए ना, वो सीधे नीचे घर की ओर जाएंगे। ओ तेरी, ये खिसक गया, इस पर धुआं आ रहा है यहाँ। ये बड़ी सी जो लकड़ी है ना ये जल गई है, तो इसको ऐसी जगह पे छोड़, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, जिससे ना आग फैले ना। यहाँ पे भी ना सुलगने के लिए हो रही है हल्की हल्की सी, इसको भी बुझा देते हैं, इसको भी बुझा देते हैं, इसको भी बुझा देते हैं। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश कर दी है, जंगल में जहाँ पे आग सुलग रही थी वो सारी बुझा दी है। अब जंगल की किस्मत और उन पेड़ पौधों की किस्मत बाकी सुबह ही पता चलेगा क्या हुआ है।